बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सीबीआई की ओर से जवाब सौंप दिया गया। आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से अदालत में सॉफ्ट कॉपी दे दी गई है और 24 नवंबर को हार्ड कॉपी भी दे दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि आरजेडी के सुप्रीमो की जमानत याचिका पर अब 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को 23 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा था, उसी संदर्भ में जवाब दाखिल किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पहले हफ्ते में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर जवाब सौंपने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी। तो वहीं अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब दायर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की। तो वहीं बता दें आपको कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा दी है। तो वहीं अदालत में उन्हें 2 धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई है। तो पूर्व में लालू यादव को चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत मिल गई, तो और इस मामले में भी 27 नवंबर को जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता है।